प्रशांत शर्मा शाहरुख खान से ज्यादा सुंदर। तो भाई गाना चल गया इंडिया वाला, भैया को भी पसंद है। प्रशांत और सत्येंद्र में है क्या, भी क्या पूछेगा, क्या बताएगा। गिफ्ट में फोन दिया है, हैंडमेड फोन है। नमस्ते इंडिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम निकलने वाले हैं। प्रशांत को गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये बैग खुद से नीचे लेके जा रहे हैं, कोई मदद नहीं करते यहाँ। आपको पता है हमारा होटल कैसा है। और भाई यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है। लिफ्ट भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के जाओ। हमारा बैग थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, ये 23 kg है। इसमें बस कपड़ा है, इसमें भी 23 kg है, इसमें कुछ चॉकलेट खाने का है। इतना ओवरवेट कर लिया। इसमें बकव्हीट है, 15 kg बकव्हीट है, और चॉकलेट और चाय और कुछ नहीं। लेकिन गुस्सा आ रहे हो, पता नहीं, कुछ लोग ना जिंदगी में खाने के लिए ही जीते हैं। मैं चलो मैं से नहीं लेकर जाऊंगा। देखो कैसे अभी कह रही कि मैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सब ये तो सही है, ये तो लिफ्ट है। बहुत मेहनत से लगवाई इन्होंने ये लिफ्ट। यह हमारा रशियन लिफ्ट है, रशियन स्टाइल। कितना रो रहे। चॉकलेट का चूरन बन जाएगा। चूरन मत करो चॉकलेट, ये तुम्हारा तो चॉकलेट है, मेरा नहीं है। अच्छा ये वैसे करो कि इसमें तो 5 kg भी नहीं है, इसमें 5 kg भी नहीं है दोस्तों। ड्रामा किंग। पाँच की जी भी एक 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 लेके नीचे जा रहे। ओ लेजी लेजी बॉय। तो दोस्तों हमारा फ्लाइट 7 घंटे के बाद है, हम होटल निकलेंगे 3 बजे, क्योंकि वहाँ भी चेक इन है, ये बैगेज भी सारे देना है। अगर ओवरवेट है मुझे फिर से दूसरा बैग में करना है, तो ये थोड़ा सा हेडेक रहेगा, इसीलिए टाइम से निकलना है हमारे लिए। तो दोस्तों क्या कहो, आपके इंडिया में मिलेंगे दोस्तों। इंडिया की याद आ रही, सच बताओ, क्योंकि मैंने पहले यहाँ आने से पहले सोचा कि राष्ट्र मेरा घर है, इंडिया नहीं। लेकिन अब यहाँ आने के बाद फिर भी इंडिया मेरा घर बन गई, क्योंकि वहाँ मेरी फ्लैट है। हाँ बिल्कुल, इंडिया घर है तुम्हारा। हाँ, क्योंकि वहाँ मेरी फ्लैट है, वहाँ मेरी कार है, वहाँ मेरा बच्चा पैदल हो जाएगा। तो इंडिया हमारा घर हिंदुस्तान। तो इंडिया हमारे, हमने वेट करे। ये एंग्री गुस्सा शक्ल आप देखिए, कितना गुस्सा है। मेरा डियर प्यारा हस्बैंड हमेशा इतना लवली, इतना प्यारा है, लेकिन आज बहुत गुस्सा है। ये सर्विस बकवास है, अभी मुझे भी ये होटल पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमने नहीं परमिशन दिया हमारा बैग वहाँ रखना। लेकिन हमारा प्लान था बैग वहाँ रखे, कुछ खाएंगे, क्योंकि हाँ हम आपको पहले दिखा कि ये पास एक रेस्टोरेंट है, अभी हम नहीं जा सकते खाना। देखो दोस्तों ये सब स्कूल से बच्चे हैं, हम भी ऐसे जा रहे थे हमारा टीचर के साथ घूमना, जब मौसम थोड़ा सा अच्छे थे मई महीने में। हम जा रहे थे कोई म्यूजियम, कोई आर्ट गैलरी। हेलो तो दोस्तों मेरी याद आ गई, अभी दुखी भी हो गई कि मेरे बचपन में भी सेम हम टीचर के साथ घूमना जा रहे थे। टीचर भी मेरा हैंड कभी कभी पकड़ लेते थे, क्योंकि मैं इसकी फेवरेट स्टूडेंट थी। मतलब जब मैं फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ क्लास, मेरा टीचर था, उसके नाम मरीना इवानोवना, मैं उसकी फेवरेट स्टूडेंट थी हमेशा। लाइक आई नो इट, आई नो इट, हमेशा बता रही की थी ये लड़की के मार्क कितना अच्छा है, आप ऐसे से सीख लो। लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि वो मुझे मतलब डेस्क के सामने बोल के, ऐसे कम हियर अंडरस्टैंड नियर डेस्क, फ्रंट ऑफ डेस्क, और मैं सीख रही कि ये लड़की से आप सीख लो कैसे अच्छा राशन लैंग्वेज आते, कैसे अच्छे ये करते वो करते, और मुझे शर्म आ रही थी कि मरीना वाला मुझसे मत कहो। हां झूठी तारीफ, नो स्वेयर। बचपन की याद आ गई, इनको नहीं पता कि कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा टाइम चल रहा है इन बच्चों का, रियलाइज नहीं होता उस टाइम पे। बचपन में सोचो कि जल्दी जल्दी बड़ी होना चाहिए, जल्दी जल्दी काम करना चाहते, यूनिवर्सिटी जाना चाहते। आप भी सोचिए बचपन का टाइम कहाँ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, रोना धोना नहीं है भाई, मैंने बचपन में बहुत। अभी तुम रो रहे हो। रखो 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 भाई, फाइनली हमने खाने का जुगाड़ कर लिया,
मैंने नहीं, भूखे इंसान ने खाने का जुगाड़ कर दिया, वो भी ऐसे सब चीज करूंगी। वहां से जाके लेके आई, एक मेरे लिए जूस है और पता नहीं क्या क्या है। ये हमारा वो कल जो हमने खाई वो जैसे पराठे की तरह, इसमें टमाटर है, चीज है, बहुत टेस्टी है, तो पसंद आया। हां वो पसंद आया मुझे, और अलग अलग चीज पराठे की टाइप में है, और सारा वेज मतलब काफी आइटम है इनके पास वेज में ना। तो भाई अभी हम जिस कैब में बैठे हैं, ये भाई हैं कहाँ से? तो हमारा कैब ड्राइवर है वो उज़्बेकिस्तान से है, उसको इंडिया अच्छा लगता, मतलब रामायण के बारे में जानते हैं, हनुमान जी के बारे में जानते हैं, हाँ इंडियन गाना भी, राज कपूर को भी जानते हैं, इनका गाने भी याद है भाई सारे। हेलो नमस्ते इंडिया। नमस्ते। तो अभी हम एयरपोर्ट में जाने वाले हैं, मतलब रास्ते में है, 30 घंटा और लगेगा क्योंकि कोई ट्रैफिक। 30 घंटे नहीं भैया, 30 मिनट और। 30 घंटे भी नहीं बोले। और भैया को यहाँ के गाने भी बहुत सारे आते हैं। हाँ इंडिया गाने आता है, मतलब हिंदी थोड़ा सा लैंग्वेज आता है, तो इंडिया बहुत फेमस है यहाँ दोस्तों, आप देखिए। और मैं बहुत हैंडसम हूँ ये बोला इन्होंने। अच्छा तुम्हें बस ये बोलना था चलाक? नहीं भाई ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा बोला कि तुम्हारा पति बहुत सुंदर है, वो एक तो ये जो शाहरुख खान से ज्यादा भी सुंदर है। तो प्रशांत को अच्छा लगता। अच्छा उन्होंने बोला कि प्रशांत शर्मा शाहरुख खान से ज्यादा सुंदर है। इसमें मत घुस रहे, इधर से बोल सकती हो तुम। तो प्रशांत को अच्छा लगता, बहुत खुश हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी ग्रुप में तुम ये बात कहो। ओ भाई पूरा बढ़िया वाला फील आ रहा है मुझको शहर में चलते हुए। Вы читаете, ну, не читаете, вы уже блогер, получается. Ну, как бы только начинающий, наверное. Начинающий. Я, да, как бы активно начала выкладывать видео, ну, может, 5-6 месяцев, вот так вот. Ну, भाई गाना चल गया इंडिया वाला। भैया को वो भी पसंद है? इनको आता नहीं। मुझे क्यों नहीं? मेरे डैड भी ये गाना जानते हैं। ये राशि में बहुत फेमस गाना है। इनको इंडियन गाने पसंद है और बहुत ज्यादा गाने आते हैं इनको। दोस्तों हमारा चेक इन ऑलमोस्ट हो गया, अब हम आ गए प्रशांत की फेवरेट जगह, जो पिछले बार 4 घंटे के लिए यहाँ रुका प्रशांत को पुलिस इमिग्रेशन। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग खुश है कि प्रशांत यहाँ से जा रहे, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे अमेरिका। अभी मुझे जाना नहीं है, अभी मैं अपना मुंह ऐसे बना दूंगा कि मैं इंडिया का हूँ नहीं। मुझे ही रखो, होटल दो मुझे रहने के लिए, खाने के लिए। और मेरी फ्रेंड भी इधर है, देख सकते हो माशा इधर कहाँ है माशा। हमारा फ्लाइट ऐसे हुआ कि वो 1 महीने से पहले टिकट लाए, ठीक है, और हमने मतलब 3-4 दिन पहले लाए, तो हमारा किस्मत में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ साथ जा रही हूँ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इंडिया हम आने वाला है, वेलकम बैक होने वाला है हमारा। दोस्तों प्रशांत का इमिग्रेशन चल रहा है, देखते इस टाइम रुकेंगे या नहीं। У нас 18:40. В Дели. А, хорошо. Ой, хорошо. То, दोस्तों, I hope सब चीज़ बढ़िया है। प्रशांत और से टेंशन में है कि अभी क्या पूछेगा, क्या बताएगा। सोना?
मैं तो जानती हूँ अभी इस टाइम कुछ नहीं होगा क्योंकि उस टाइम वो आ रहा था रशिया में, इसलिए चेक इन पूरा था। अभी वो घर वापस जा रहे हैं इंडिया में, तो कोई संभाल नहीं दे देगा, नहीं पूछेगा। तो दोस्तों मैं दुखी नहीं हूँ, इंडिया में जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे बहुत सारे काम मुझे वेट कर रही है, मतलब मेरे डिलीवरी टाइम के लिए प्रिपरेशन करना है, मुझे हॉस्पिटल ढूंढना है, बच्चे के लिए सामान लेना है, बहुत बहुत सारे काम। तो खुश हो कि वहाँ वापस आ रही हूँ। फाइनली एयरपोर्ट पर आके बैठ गए भैया हम। ये है हमारा बॉय, ये हमारा लड़का समीर डॉन, समीर की मम्मी। गिफ्ट दिया, गिफ्ट में फ़ोन दिया है, हैंडमेड फ़ोन है ये, इतना इतना टैलेंटेड। यार 2 घंटे पहले आ गए हम, बिफोर 2। अभी कितना टाइम है? कम से कम 2 घंटे बाद आना चाहिए था। देखो भाई हैंडमेड फोन। देखो भाई फोन भी आईफोन है, हैंडमेड फोन भाई। हाथ में जो साइज है, साइज तो सेम है, साइज तो मतलब वही है, आईफोन वाला ही ना। आप देखिए 3D कॉपी बनाए खुद से बच्चे ने। जब मैं पहली बार देखी मैंने सोचा कि ये कुछ पुराना किसी का फोन है, देखो आईफोन की तरह लग रहा है बिल्कुल। ये गिफ्ट दिया समीर ने इनको। समीर की मम्मी है। दोस्तों प्लेन में है, मैं यहाँ से चलने वाले तो प्रशांत को डर लगता। हनुमान चालीसा शुरू करो। दोस्तों बस 20 मिनट और जा रहे हम घर, इंडिया नहीं घर, क्योंकि इंडिया हमारा घर ही है ना। मिलेंगे इंडिया में दोस्तों। प्रशांत शर्मा थक गया भाई, मैं थक गया पता है मुझे। कोई बात नहीं, 1 घंटे और हम घर जाके घर पहुंच जाएंगे। 10 घंटे के लिए मर जाऊंगा। ओह मरना मत प्लीज। हां सो जाऊंगा मतलब, मुझे तुम जिंदा चाहिए। दोस्तों मैं खूब थक गई, मेरा पैर इतना सूजन हो रही है, आपको विश्वास नहीं करेंगे। ये मेरी जो शूज़ है नहीं आ रही, इतना टाइट है। मुझे भी घर जाके लेटना है, सोना है।